हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बेटा जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक है हमारा क्या, कॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया का टॉपिक चला हुआ है तो हम इंडिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था हमने कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, वो है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नियर बाई 20 करोड़, और सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, 2011 के अकॉर्डिंग 2011 के टोटल पॉपुलेशन को भी डिस्कस कर चुके थे कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है, और अकॉर्डिंग टू एरिया भी डिस्कस कर चुके थे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जो काफ़ी बड़े हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी हमने। अब आपके मन में एक सवाल, आपके मन में एक जो क्वेश्चन है वो आता होगा, एक सवाल है वो पैदा होता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों है, सिक्किम के अंदर सबसे कम क्यों पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा, तो उसी को सोल्व करने के लिए मैं ये वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ बेटा। और इसको याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है, कि इस पे जो क्वेश्चन जो आता है वो सुन लेना बेटा एक बार। पहला आता है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो टॉपिक मैंने अभी करवाया नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसके अंदर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी आपको डिफाइन करूँगा कि क्या होती है और कैसे कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, वो भी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करूँगा। उस चीज़ के लिए कितने टाइप्स की होती है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊँगा बेटा। उसके बाद जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर बताइए, या फिर कहूँ मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनको बताइए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो क्वेश्चन है वो यहीं से सोल्व होगा। तो दो फैक्टर हैं, ठीक है ना, कितने फैक्टर हैं बेटा, दो फैक्टर हैं, एक तो है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है हमारा सोशियो इकोनॉमी एंड हिस्ट्री फैक्टर। ये दो फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर देखिए ये तो मेन पॉइंट हो गए, अब इसके सब पॉइंट और भी हैं वो भी मैं साथ के साथ वो पढ़ाऊंगा। चलिए पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कहा जाता है, फिजिकल फैक्टर इज नोन हैज ज्योग्राफिकल फैक्टर। इसके अंदर क्या है, रिलीफ, क्लाइमेट, वाटर, ये सारे जो फैक्टर हैं वो इंक्लूड होते हैं। रिलीफ भी इंक्लूड होता है, क्लाइमेट भी और वाटर भी, ये सारे जो फैक्टर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो किए जाते हैं किसके अंदर, ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर। ये बात आप याद रखना बेटा, ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर ये सारे जो फैक्टर हैं वो आते हैं। अब देखना, इंडिया के अंदर आपको पता है कि नॉर्थन जो प्लेन है इसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेल्टा और कोस्टल जो प्लेन है उनके अंदर पॉपुलेशन क्या है, हमें उसका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आपके मन में आएगा कि सर वहाँ पे ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छा होगा। एक कारण तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो कोस्टल जो प्लेन है उनके आसपास का जो रीजन होता है वहाँ पे न ही ज़्यादा मैं कहूँ कि समर होती है, गर्मी होती है, और न ही ज़्यादा विंटर होते हैं। वहाँ पे जो कोस्टल जो रीजन होते हैं वहाँ पे हमें न ही अधिक गर्मी लगती है और न ही अधिक सर्दी लगती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर होती है, एक नॉर्मल होती है, एक मॉडरेट होती है। कहने का मतलब ये है बेटा, नॉर्थन प्लेन के अंदर क्या होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और जो लैंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, और रिलीफ का मतलब होता है कि ऊँची नीची भूमि। तो यहाँ पर कैसी लैंड है, प्लेन लैंड है। कैसी लैंड है बेटा, वो है प्लेन लैंड है, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। क्लियर हुआ इतना एक पोर्शन, या बता सकते हैं राजस्थान। राजस्थान क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन सिस्टम बेटर। ये देखिए राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन है वो थोड़ी बड़ी है, उसका जो मेन जो कारण है कि केवल एक ही वो जो रीजन है उसी के अंदर बड़ी है। तो वो रीजन मुझे बताएंगे कि कहाँ पे बड़ी है। आपने एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं पहले भी कंप्लीट करा चुका हूँ, आप एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो भी देख सकते हैं हमारी इसी चैनल पर, उसकी भी मैंने अलग से जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। तो यहाँ पे कह रखी है कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी जो कैनाल है, जो रिवर है वो आई है, उसके आने से
इरिगेशन जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ, और ये चीज़ें इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव होने के कारण यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी ही बड़ी है। यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा है, हमें हाई होते हुए दिखाई दिया है। किसकी वजह से? इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। छोटा नागपुर झारखंड, इसमें भी जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा मिलती है। क्यों? रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पे भी देखिए छोटा नागपुर एंड झारखंड, इसके अंदर भी जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। इसका यहाँ पे कारण क्या है? यहाँ पे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है अधिक मिलती है उसके कोई एक कारण नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो कारण है वो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने नॉर्थन प्लेन और कोस्टल प्लेन के बारे में अभी अभी पढ़ा है कि उसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, तो उसका जो मेन है क्लाइमेट और वाटर की अवेलेबिलिटी है। राजस्थान के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी है क्योंकि कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जो जहाँ से इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो फ्लो करती है वहीं पे जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और राजस्थान में नहीं है बेटा, ये याद रखना आप लोग। छोटा नागपुर और झारखंड, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिनरल्स एंड एनर्जी जो रिसोर्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसी के कारण क्या है कि वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, वो जॉब है वो मिल जाती हैं, और वहाँ की जो बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। साउथर्न एंड सेंट्रल इंडिया स्टेट, सेंट्रल इंडियन स्टेट हिमालय एंड नॉर्थर्न स्टेट, यहाँ पे लो पॉपुलेशन है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे लो पॉपुलेशन क्यों है? देखिए फिर सुन लीजिए, कौन से हाई के मैंने बता दिए, लो के सुन लो बेटा। साउथर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमें काफ़ी लो देखने को मिलती है। क्यों? एक तो हो सकता है क्लाइमेट एक कारण, दूसरा कारण है रिलीफ। दो कारण हो सकते हैं बेटा। एक तो देखिए आपको ईस्टर्न पार्ट पता है कि वहाँ पे क्या है कि जो सर्दी है वो ज़्यादा होती है, बर्फ़ है वो पड़ती है। नॉर्थन के अंदर भी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, इनके अंदर क्या है कि जो स्नोफॉल है वो होती रहती है, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती। दूसरा कारण है रिलीफ, मतलब ऊंची नीची जो भूमि है वो देखने को मिलती है, कहीं पे माउंटेन है कहीं पे वैली है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। इन्हीं के कारण क्या है कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हमें कम देखने को मिलती है। डेंसिटी भी कहूँ और पॉपुलेशन की भी मैं बात करूँ तो वो भी हमें कम देखने को मिलती है। अगली चीज़ है वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती ज़्यादा, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो ये थे हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर, कंप्लीट हुआ बेटा। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। इवोल्यूशन ऑफ सेटल एग्रीकल्चर, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर का, लोग एक जगह सेटल होकर एग्रीकल्चर को करने लगे, ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे भी धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनलाइजेशन, सोशियो एंड इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। जहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ा, बेटर हुआ, डेवलप हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर हुआ और अर्बनलाइजेशन ये चीज़ें बढ़ी, तो वहाँ पे धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने स्टार्ट हुई। जैसे रिवर प्लेन, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को ह्यूमन जो सेटलमेंट है वो एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल थी, और जब लैंड फर्टाइल होगी तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। इसके कारण मेन कारण ये हो गया आपका। कोस्टल रीजन पे क्या था, हाई पॉपुलेशन थी, ट्रेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कि जैसे जैसे जो ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो अच्छा हुआ कोस्टल रीजन के आसपास, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल भी होता है और नेशनल भी जो ट्रेड है वो करते हैं ट्रेड पोर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो कोस्टल जो रीजन है यहाँ पे भी हमें जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिली, उसका मेन कारण है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, क्लाइमेट, दोनों चीज़ें हो सकती है। अर्बन एरिया जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, यहाँ पे क्या है, ये अर्बनलाइजेशन एरिया है, ठीक है ना, मैं कहूँ कि शहरीकरण है, शहरीकरण हुआ। शहरीकरण का मतलब है यहाँ पे जो बेसिक जो फैसिलिटी थी वो सभी की सभी यहाँ पे अवेलेबल है, वो एक ही जगह पे होने लगी। जैसे सेक्टर की मैं बात करूँ कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो सेक्टर है उसके अंदर डिवाइड होता है,
तो ये कारण था। और यहाँ पे क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इन शहरों के अंदर, इन सिटी के अंदर हमें जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिली बेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा वो होगी हमारी कौन सी, पॉपुलेशन डेंसिटी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक था वो आपका क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट लगते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।